हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लेंसेज के बारे में बात करेंगे। रे ऑप्टिक्स के पार्ट फर्स्ट में हमने मिरर्स के बारे में बात की थी। फर्स्ट है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और इसे हम कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि रेज को इकट्ठी करता है, एक ही पॉइंट पर सारी रेज को मिलाकर उन्हें वहाँ पर इकट्ठी कर देता है। लेंस की कुछ बातें होती हैं, जैसे पहली बात है यू यानी इमेज हमेशा नेगेटिव में रहेगी, यू हमेशा नेगेटिव रहेगा, और फोकस फोकस क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा कॉन्वेक्स लेंस का। बस आप ये दो बातें ध्यान में रखो। और आपने पढ़ा होगा पावर इज इक्वल टू 1/f। अगर फोकस पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव होगी, और तो कॉन्वेक्स लेंस की पावर क्या होती है, पॉजिटिव। अभी ये फिगर है, फिगर के अकॉर्डिंग हम इसके मिरर, ऑब्जेक्ट पोजिशन, इमेज पोजिशन सब निकालेंगे। आपको बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस किसके बराबर होता है, कॉनकेव मिरर के, और कॉनकेव लेंस वो होता है कॉन्वेक्स मिरर के। तो इसमें सारी कंडीशंस कॉन्वेक्स लेंस की सारी कंडीशन कॉनकेव मिरर जैसी होती हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। फर्स्ट ऑब्जेक्ट पोजिशन, अगर ऑब्जेक्ट पोजिशन इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनेगी फोकस पे, और कैसी इमेज बनेगी, रियल। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, और कैसे बनेगी, रियल, इन्वर्टेड और लार्ज, वही कॉनकेव मिरर वाली सेम चीज। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज फोकस पे, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज इन्फिनिटी पे, अगर ऑब्जेक्ट 2f पे है तो आप एक बात ध्यान में रखना, जितनी ऑब्जेक्ट को आप लेंस से दूर ले जाओगे इमेज उतनी पॉजिटिव साइड में लेंस के पास आती रहेगी। अगर ऑब्जेक्ट 2f पे है तो इमेज बनेगी 2f डैश पर। फिगर में ध्यान देखते रहना, अगर ऑब्जेक्ट 2f पर है तो इमेज बनेगी 2f डैश पर। अगर ऑब्जेक्ट 2f एंड f के बीच में है, 2f और f के बीच में, तो हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा लेंस के पास मिलाए हैं तो इमेज कहाँ जाएगी, थोड़ी लेंस से दूर जाएगी, तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड 2f डैश। अगर ऑब्जेक्ट 2f के पीछे है तो हम ऑब्जेक्ट को लेंस से थोड़ा दूर ले गए हैं तो इमेज पास में आ जाएगी, और कहाँ आ जाएगी, एफ डैश और 2f डैश के बीच में। नेक्स्ट है बिटवीन फोकस एंड सेंटर। फोकस एंड सेंटर ये एक आप इसे अलग केस भी कह सकते हैं, जैसे कॉनकेव मिरर में एक अलग केस था। अगर फोकस और सेंटर के बीच में इमेज है तो इमेज बनेगी वो 2f और f के बीच में बनेगी, और कैसे बनेगी, इन्वर्टेड और सॉरी विर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, और लार्ज इमेज बनेगी। v हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ऑब्जेक्ट प्लेस सॉरी इमेज प्लेस हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव, छोड़ के सिक्स्थ केस को जिसमें इमेज ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर के बीच में होता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, v बाई u, इमेज प्लेस बाई ऑब्जेक्ट प्लेस, और h2 बाई h1 यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई हाइट ऑफ सॉरी हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो मैग्निफिकेशन क्या होगा, u तो नेगेटिव है और v है पॉजिटिव, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव। मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा कॉन्वेक्स लेंस का, छोड़ के सिक्स्थ केस को। कॉनकेव लेंस के बारे में बात करें, कॉनकेव लेंस बिल्कुल कॉनवेक्स मिरर की तरह होता है, और इसे हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि रेज को डाइवर्ज कर देता है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। इसकी भी कुछ फिक्स बातें हैं, जैसे इसमें फोकस हमेशा नेगेटिव रहता है, फोकस नेगेटिव तो यू आर श्योर कि पावर भी क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि पावर क्या होता है, 1/फोकस। और इमेज इसमें हमेशा नेगेटिव रहेगी, क्योंकि हमेशा वर्चुअल इमेज देगा, और ऑब्जेक्ट भी कैसा रहेगा, ऑब्जेक्ट पोजिशन भी हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव। जैसे कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज देता है, वैसे कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देता है, चाहे फिर वो पोजीशन कुछ भी हो। एक बात और ध्यान में रखें, तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आई लेंस कैसी इमेज देता है, तो आई लेंस कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है आई लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस हमें रियल, इन्वर्टेड और कैसी इमेज देता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज देता है हमें कॉन्वेक्स लेंस। अब हम पावर पढ़ते हैं, पावर क्या होता है, फोकस, 1/फोकस। अगर पावर को ऐड करें तो वो सीधी ऐड होती है, टोटल पावर इक्वल्स टू इंडिविजुअल पावर्स का सम, और
अगर हम फोकस को लेके ऐड करें तो पावर क्या होता है, वन बाई फोकस, तो P1 क्या हो जाएगा, 1/F1, P2 क्या हो जाएगा, 1/F2, एंड P3 क्या हो जाएगा, 1/F3। जैसे एक एग्जाम्पल है, इसे आप सोल्व करके कमेंट में बताइए, क्योंकि हम जो इसमें 4 डायोप्टर वाला लेंस है, हाँ, और पावर यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, 4 डायोप्टर का लेंस है ये, तो है कॉन्वेक्स लेंस, 5 डायोप्टर वाला कॉनकेव और 6 डायोप्टर वाला कॉन्वेक्स लेंस। तो आप टोटल पावर निकाल के बताएं, आपको बता दिया था मैंने कि कौन से लेंस की पावर पॉजिटिव होती है, कौन से लेंस की पावर नेगेटिव होती है, कमेंट में अपना आंसर दें। नेक्स्ट है दोस्तों लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी ये इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई, 1/F होता है, F नहीं होता, 1/F इज इक्वल टू 1/V-1/U, ये लेंस फॉर्मूला होता है। प्लीज़ आप इसमें थोड़ी थोड़ा ये मैंने 1/F नहीं लिखा, F लिख दिया, आप इसको सही कर लेना जब आप नोट करें तो, 1/F इक्वल्स टू 1/V-1/U, ये लेंस फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों ये आज हमने लेंस पूरा किया, ये हमारे रे ऑप्टिक्स का पार्ट सेकंड है। इसके बाद हम एक पार्ट और निकालेंगे, उसमें आपकी पूरी रे ऑप्टिक्स कंप्लीट, और मैं 100% श्योर वादा करता हूँ कि 3 जो लेक्चर हैं इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में नहीं आने वाला। और प्लीज़ एंड प्लीज़ एंड प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें माई चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट मिलती, आपको अगर कोई कमी दिखे तो कमेंट में बताइए, और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें अपने कमेंट में, अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर। और 1/सब्स्टिट्यूशन की जो 2 पार्ट डाली थी, थर्ड पार्ट दोस्तों अभी आपको मिल जाएगा, किसी कारणवश वो लेट हो गया था। थैंक यू एंड बाय।